हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए प्रोजेक्ट के एक ग्लिम्स का रिएक्शन। सो इसका जो नाम है वो है कल्की 2898 एडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम रखा है। सो कल्की का तो मैं सुन रहा था कि कल्की के बारे में कुछ हो सकता है ये, और 2898 एडी। सो अभी हम लोग देखा जाए तो हम लोग जी रहे हैं 2023 में। सो ये तो हमारे 800 साल बाद हमारे भी, तो ये काफी दूर का सोचा गया ना। मैंने पता बचपन में बहुत सुना हुआ कल्की का अवतार आएगा और ऐसा कुछ के बारे में। नहीं सुना हुआ? नहीं, मैं तो सुना हुआ है। मैंने तो नहीं सुना। क्या हम दोनों साथ में थोड़ा सुनते थे बचपन की बातें मेरी? Exactly, तो मैंने तो नहीं सुना है। मैंने ऐसा कुछ सुना था, तभी मेरे को लगता है शायद, क्योंकि 800 साल बाद तो ऑफ कोर्स दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी होगी, क्योंकि अभी तो हर 10 साल बाद ही दुनिया ऐसे बदलती जा रही है। 10 साल बाद क्या, एक हर साल, मतलब अभी नया जो ये AI आ गया, AI ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक अलग ChatGPT, ये सब चीजें आ चुकी है। अब तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि आगे और क्या होने वाला है। सो ये ऐसा ही फील दे रहा है, बहुत फ्यूचरिस्टिक फिल्म होने वाली है। ऊपर से इसकी स्टार कास्ट, प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, कमाल की स्टार कास्ट है और सबके सब बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। अब देखते हैं इसका कैसा होगा। और प्रभास का ही टाइम चल रहा है देखा जाए तो, अभी आदि पुरुष अभी मूवी गई एंड उसके बाद सलार का टीजर आया। हाँ। अभी सलार पर आ जाएगी, फिर उसके बाद कल्की का आएगा, तो एक प्रभास टाइम चल रहा है उसमें हम रह रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं प्रभास। लग तो रहा है क्योंकि लगातार, मतलब मूवीज में बीच में थोड़ा ब्रेक था उनका, अभी लगातार, मतलब अभी जैसे एक मूवी का, ये भी एक सलार मूवी इतनी जोरदार था उसका ट्रेलर भी, फिर अभी ये आ रही है, तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मतलब बहुत एक नया, एक कुछ नया है, मतलब फ्यूचरिस्टिक तो है ही, मतलब पर ये कुछ नया टॉपिक के ऊपर मुझे लग रहा है कि जैसे बताया भी गया था स्टार्टिंग में कि तुमने कभी देखा नहीं होगा ऐसी मूवी होगी, पहले से ये बताया गया था, प्रेडिक्ट कर दिया गया था। तो नाग अश्विन जी से वैसे ही बहुत ज्यादा उम्मीद रहती, क्योंकि वो वैसे ही इतने बड़े महान हती है। उन्होंने ऐसी कमाल की मूवीज बनाई हुई है, ऊपर से जो वैजयंती नेटवर्क है इनके प्रोडक्शन हाउस बहुत कमाल की मूवीज बनाता है। सो देखते हैं इसका टीजर कैसा होगा या ग्लिम्प्स कैसी होती है। तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। When the world, ये 2880 तो नहीं लग रहा। Oh, it's taken over by darkness. Oh, ये क्या? Star Wars है क्या? ये पूरी Hollywood movie जैसी vibe दे रही है। हाँ। Oh, a force will rise. यार look है भाई। Project K. What it is? ये बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है, पास्ट और प्रेजेंट मिल गया ऐसा लग रहा है, या फ्यूचर कल्की। स्टार्टिंग में घुसते ही मुझे फुल फील आई कि मतलब ये हॉलीवुड मूवी है। इज इट हॉलीवुड में कि स्टार्टिंग ही, मतलब जैसे उस डार्कनेस, और जैसे नहीं हमेशा ये एवेंजर्स और ये सब मूवीज हम देखते हैं ट्रेलर, तो थोड़ा वैसा वाला वाइब दे रहा था। और फिर आगे गए तो मतलब मुझे फुल ऐसी वाइब आई, मतलब ऐसे सुपर हीरो, स्टार वॉर्स और सुपर हीरो काइंड ऑफ मूवी लग रही है मेरे को। लाइक मतलब प्रभास में वुड बी द मेन सुपर हीरो और उसके इनके सराउंडिंग, मतलब और भी दूसरे डार्कनेस विलन होंगे, तो मुझे थोड़ी वैसी वाइब दे रही है और मुझे लगता है बहुत मजा आने वाली है। लेकिन ये पहली बार इस टाइप की कुछ मूवी बन रही है सही में इंडिया। हाँ। में सोचा जा रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि लाइक एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी डार्क पावर है। हाँ। उसने पूरी हमारी अर्थ को कैप्चर कर लिया। सो अब उसके खिलाफ जो है ना, ऐसे गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप मेरे ख्याल से प्रभास करेंगे एंड वो निकल के आएंगे, वो राइजिंग पावर। और शायद वो हो सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना जो प्रोजेक्ट के है, शायद वो जो अच्छे लोग, उनका ये प्रोजेक्ट हो, उनके बनाया हुआ द्वारा ये कुछ किया गया हो। वही व्हाट इज प्रोजेक्ट के लास्ट में वही क्वेश्चन था, बट उसका मतलब जवाब तो नहीं आया, पर वही कल्की जैसे वही दिखाया गया, तो वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। और बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स दिखे, मतलब उसमें बैकग्राउंड लास्ट में बहुत सारी चीज लोगों को दिखा, मैं तो जानती नहीं हूँ, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उनका क्या रोल है। कि स्टार्टिंग थोड़ा ऐसे लोगों को दिखाया गया जो मतलब गरीब है, या तो फिर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है खाने को, कोई पीने वाला भी सीन था, उन पे अत्याचार हो रहा है काइंड ऑफ,
तो वह एक फैसला सीन है, लास्ट में भी कुछ सब मिलके साथ में खड़े हो रहे हैं. दीपिका पादुकोण को भी सिर्फ एक ही क्लिप में ग्लिम्पस आया, उसमें वो समझ नहीं आया कि मतलब वो के किस प्रोजेक्ट का साथ. वो टेंस लग रही थी बहुत. हाँ वही, बहुत ज्यादा टेंस लग रही. और शायद बीच में जब वो एक मम्मी, मतलब मम्मी जैसा वो चेहरा आ रहा था, तो वो उनको देख के लगा कि वो अमिताभ बच्चन जी. और बीच में ऐसी ग्लिम्पस भी जो आ रही है, लाइक वो एकदम पावर वाली, और वो मतलब फुल वाइब दे रही है कि मतलब हॉलीवुड क्या, मतलब वही एवेंजर्स और वही मैंने ये सब मूवीज देखी ना, वो उससे इंस्पायर्ड है फुल ऑन वही. और एक लिखा है ना कि अ फोर्स विल राइज, तो ये मेरे को स्टार वॉर्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है. बिकॉज उसमें भी ऐसा था कि पहले एक डार्क वर्ल्ड था और उन लोगों ने पूरा कैप्चर कर लिया था. अगर आप पार्ट फोर को देखें तो कैसे कहीं ना कहीं वहां से फिर वो राइज होता है उनका एंड वो फाइट करते हैं, एंड मतलब बहुत सारा फ्यूचरिस्टिक चीजें. पर उसमें मेरे को ना थोड़ा सा वो भी लगा कि थोड़ा सा पास के साथ भी गया, बिकॉज थोड़ा तीर कमांड भी जैसी चीजें दिखी, चाहे तीर बहुत फ्यूचरिस्टिक थे पर चीजें वैसी दिखी. और मैन टू मैन फाइटिंग जो हमें, जैसे हमें पता है कि आजकल आगे जाके शायद वो हो ही ना, क्योंकि लोग अभी सब कंप्यूटर पे ही हमला कर लेते हैं वैसा. तो पता नहीं इन्होंने कैसे मिक्स किया है, क्या किया, और अभी नेक्स्ट ईयर आएगी. इसमें रोबोटिक्स भी दिख रहे थे, रोबोट्स भी अलग अलग काइंड ऑफ, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. मतलब होप्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सही में. और ऐसे आप चाहते हो कि इंडिया में मूवीज बने, क्योंकि हम भी थोड़ा अलग सोचे, कुछ नया चीजें बनाए, आगे बढ़े, वही वो वापस कपल हो के रोमांस है और उससे थोड़ा आगे. तो यार ये बहुत जबरदस्त लग रही है. ज्यादा प्रभास के एक्टर की बात करें, वो भी बहुत अच्छा लग रहे हैं. प्रभास बहुत बिग मूवी में डायलॉग्स नहीं थे जैसे, मतलब तो ग्लिम्स है ना, सिर्फ ग्लिम्स है वही मतलब, पर वो लुक थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा था फुल ऑन, मतलब सुपर हीरो वाइब काइंड ऑफ वाइब्स दे रहा था. बहुत बिग थे, बहुत मैसिव उनको दिखाया गया, एंड उनकी एक पोनीटेल भी थी. और मतलब पूरा अवतार था वो, जिस तरीके से उनके कपड़े वही, मतलब पूरे जैसे नहीं टोनी स्टार्क के काइंड ऑफ, वैसे ही पूरे वही उनको पूरा किया गया. उनके अंदर अलग पावर्स भी है मेरे ख्याल से, वो डाली गई हैं या फिर वो खुद से ही ऐसे निकल के आए हैं, वो चीज अभी आगे बहुत सारी चीजें पता लगेगी. तो आप लोगों को कैसा लगा आप एक मिनट जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.